स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा जनपद में कार्यरत समस्त आशा कार्यकर्ती के कार्यों की समीक्षा की गई थी, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि डीएम के निर्देशानुसार की गई जांच में 14 ब्लॉक से 62 निष्क्रिय आशाओं की सूची प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि इन सभी निष्क्रिय 62 आशाओं को स्वास्थ्य विभाग की सेवा से हटाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सीएमओ ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, बार बार चेतावनी के बाद भी लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, इधर कोरोना काल में या बहुत दिन से कुछ आशाएं जो थी कि काम नहीं कर रही थी, तो हमने समीक्षा बैठक किया और जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि समीक्षा बैठक करके देखिए कि कितनी आशाएं काम नहीं कर रही हैं। तो कुछ हमारे MYC ने पाया कि कुछ आशाएं जो हैं विगत 6-7 महीनों से एक भी काम नहीं किया और निष्क्रिय रहीं, तो उनको चिन्हित किया गया, उनको MYC द्वारा नोटिस जारी किया गया और इसके बाद भी अगर टर्न अप नहीं हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे और मगर इसके बावजूद भी नहीं ठीक होती हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर हम दूसरे का चयन करेंगे। अभी तक कितने आशाओं चिन्हित किए? 62 आशाओं का चिन्हित किया गया है और इसमें अधिकांश है तो उनको हम निकाल देंगे। कुछ लोग अगर आते हैं कि काम करने के लिए, कहते हैं कि हमने अब से इस तरह काम करेंगे, तो हमको विचार करेंगे उसके ऊपर, नहीं तो उनको भी निकाल करके नई आशाओं की भर्ती करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करने के लिए इच्छुक हैं, हमारे पास आते रहते हैं कि हमें आशा के रूप में काम करना है, तो उन ऐसे लोगों को हम रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित करता है तो और आशा हमारे विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनके माध्यम से हमारा सारी कार्यक्रम संचालित होते हैं, तो हमें बेहतर से बेहतर आशाओं की ज़रूरत है और हम बहुत अच्छी आशाओं को चयन करेंगे जिससे कि हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकें।